तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वापस स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। हाँ, काफ़ी दिन हो गए, मैं सही में गलत दिमाग खराब हो गया तो पेपर चल रहे थे, क्या करूँ। मैंने जो पता नहीं क्या फालतू सी वीडियो डाल दी थी, मेरे दोस्त भी लोग बोल रहे थे भाई ये कैसी वीडियो डाल दी तूने, गलत आज डेट गलत व्यू आएंगे नहीं, क्योंकि 12 बजे मैंने अपलोड किया भाई वो वीडियो। 12 बजे अपलोड नहीं, शायद मेरे गलत दोस्त को वो प्रीमियर पर डाल दिया था। हाँ, अपलोड कर नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए गलत अपलोड करना तब के टाइम पर। पेपर चल रहे थे मेरे, कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। अब पेपर चल रहे तो कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई है और पढ़ाई है तो कहानियाँ हैं मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो पहले तो मेरे टू डू लिस्ट की बात करते हैं, ये बड़ा अजीब नाम है मैं जानता हूँ, पर ये टू डू लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मेरा है 5 चीज़ें। ये बंदा क्या कर रहा है, ये शायद मेरा अभी नया गेम है, थोड़ा आज ही मैंने खेला है अभी, मतलब ये एक गेम और खेला था, इससे पहले एक और गेम खेला था। ये बंदा कहाँ जा रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। तो यहाँ से चढ़ के जाते जल्दी से, और तुम्हारा भाई बिल्कुल एकदम खेलना नहीं आता है अब, मैं नूब हो चुका हूँ। पहले कौन सा बहुत बड़ा प्रो था भाई, नू तो पहले भी था, अभी तुम लोग बोल लोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर मतलब समझ रहे हो, बैड बेड पता नहीं भाई बेड क्या बोल रहा है। टीम आ रही है क्या भाई, टीम आ रही है, मैं भागो जल्दी पीछे भागो यार, तुम लोग टीम आ रही है मेरे को लग रहा है पक्का। कहाँ है टीम, किधर है टीम, मैं डायगनल ब्रिजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरे को पार्कोर करना चाहिए थोड़ी देर, मतलब मेरे को बिल्कुल भाई इतनी गंदा पार्कोर, मेरे को लग रहा है बेड टूटने वाला, पक्का टूटेगा, अपना ही टूटेगा और किसी का टूट ही नहीं सकता, क्योंकि अपन लोग ही जी फोरशैडोइंग कर रहा था। आखिरकार हम लोग मर ही गए, जी करते वो राउंड तो हम जानते थे मरने वाले थे, क्योंकि भाई मैं खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर, तुम लोग क्या सोच सकते हो क्या होगा। तुम्हारा भाई मिड एयर क्लच किया, पर क्या करूँ, ड्रैगन गलत साइड से निकल गया, पर मेरे को लगा ये लकी ब्लॉक तोड़ सकते हैं, पता नहीं है मेरे को अभी लगता है लकी ब्लॉक जोड़ना चाहिए। पीका नेटवर्क वालों को बोला लैग, भाई पीका नेटवर्क वालों को ये भी बोलना चाहिए कि लैग फिक्स करो, ये मैं फिक्स नहीं कर सकता, ये मेरे को थोड़ा टाइम दो, अभी मैं हाथ सेट होने दो, थोड़ा हाथ सेट नहीं है आजकल, मैं थोड़ा खेलना बोलना होना छोड़ दिया है, तो थोड़ा हाथ सेट नहीं है, कोई नहीं हाथ सेट हो जाएगा, तुम लोग तो जानते हो मैं कितना प्रो हूँ। ठीक है उस पर आते हैं, कहानियों पर, यस वापस से हम लोग फालतू कहानी अपनी सुनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को मज़ा आता है और मुझे कंटेंट चाहिए नहीं था, तो मतलब कंटेंट है नहीं तो अभी कुछ ढूंढना पड़ रहा है। तो हाँ, वापस हम लोग आते हैं अपने फालतू स्टोरी टेलिंग के जो भी है, ब्लॉक करके यहाँ पे जाना भाई, मेरे को कभी कभी लगता है यार मैं कर सकता हूँ क्या गलते गलते, मतलब वो वाला स्पीड ब्रिज नहीं करना चाहिए, फालतू आइडिया है गलते, मतलब मर सकता हूँ काफ़ी चांसेस है, तो नहीं करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंदा आ रहा है ब्लॉक, ये तेज़ में ब्लॉक कर सकता हूँ, हाँ ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं ब्लॉक तेज़ लगा सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा मरता नहीं हूँ, पर मेरे एक भी ब्लॉक नहीं बचा, मतलब ज़्यादा ब्लॉक नहीं बचे, यही बोलना चाहता हूँ। तो हाँ, अब कहानी के ऊपर आते हैं वापस से हम लोग, इस बंदे को पहले मार देता हूँ, रुक जाओ, और ये बंदा आ रहा है, थोड़ा सा मारते हैं, पीछते हैं, देखते हैं, अगर लैग ना हो रहा तो भाई मेरे को वो करना है ब्लॉक हिटिंग नहीं हो पाती है मुझसे, तो चलो कहानी के ऊपर आते हैं वापस से, ठीक है। हाँ, कहानी के ऊपर आते हैं, तो हाँ ये बात है काफ़ी पुरानी, मैं ढंग से सुनाने की कोशिश करता हूँ तुम लोग को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, मैं ऐसे ही मतलब एक दिन कल तक वो पढ़ने जा रहा था, मतलब ट्यूशन जाना, भाई सबको पढ़ने जाना पड़ता है, ये क्या भैया ऐसे ही लोग आके कल तक मारना स्टार्ट कर देंगे क्या हम लोग को, ये क्या मतलब है। मुझे इतनी खांसी आती रहती मेरे को यार, अभी गला बैठा हुआ है मेरा ज़्यादा, तो इसलिए बोलने में आसानी नहीं हो रही है। तो हाँ, कहानी के ऊपर वापस आते हैं हम लोग, तो हाँ मैं ट्यूशन जा रहा था, मेरे को याद है, जैसे मेरे को याद है इतना मेरे को याद है, इसके हिसाब से मेरे को याद है कि मैं ट्यूशन जा रहा था, बहुत गंदा था ये, जो जितना मैंने बोला मत सुनो, आगे स्किप कर देना अगर कभी ये पार्ट आए वापस से। तो हाँ, मैं मतलब जा रहा था ट्यूशन जा रहा था, मतलब भाई देखो नॉर्मल 3 बजे जाता हूँ, यहाँ 3 बजे नॉर्मल है, तुम लोग के यहाँ पता नहीं 6 बजे जाते होगे तुम लोग, पर ये नॉर्मल है यहाँ के, बहुत नॉर्मल है, एक्सेसली नॉर्मल है भाई, मैं रोज़ जाता हूँ। तो हाँ, जा रहा था, अब भाई मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सब लोग कलते खड़े हो गए वहीं पे एक ही जगह पे, भाई बहुत सारे लोग, ऐसे भी नहीं कि एक दो लोग कल खड़े हो, बहुत सारे लोग वहीं पे खड़े हो गए। मैं सोच रहा पता नहीं क्या हुआ कल, शायद किसी गाड़ी वाड़ी ठुक गई होगी, यहाँ पे नॉर्मल भाई, गाड़ी ठुकना बहुत मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ है, कुछ भी जा रहा है ऐसा नहीं है, ये बात है, उसके बाद इंसान की भी ठुकाई हो जाती है, पर ठीक है यार, वो तो यहाँ पे चलता है, बहुत ईजी लाइफ है यहाँ पे लोगों की, ऐसे ही होता है। तो हाँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई ये क्या चल रहा है, ये पक्का मैं मार दूंगा इसको, मैं पक्का, तुम लोगों ने कभी डाउट किया मेरे को, डाउट करते हो मेरे को, आ थू मेरे व्यूअर हो ही नहीं सकते तुम लोग, नहीं नहीं हो तुम लोग हो मेरे व्यूअर, पर मेरे को डाउट करने का भी, गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ मर जाऊँगा नहीं तो।
तो हाँ, तो भाई वहां से लोग पड़े पता नहीं क्यों भाग भाग के जा रहे हैं वहां से। तो मैं पहले तो देख रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ। अब इस पे भी हाईलाइट सुनो, बहुत बड़ी हाईलाइट है ये हाईलाइट सुनो। अब वहां से भी अंकल एक आ रहे थे, बोल रहे वहां पे पागल आदमी घूम रहा है, चाकू लेके कलते लोगों मार रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग का एक तो प्रोसेसर एक घंटा बाद कलते चलता है। मैं ऐसे खड़ा हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ कलते ट्यूशन। अब देखो मैं खड़ा हूँ, मस्त आराम से खड़ा हूँ, मैं सोच रहा क्या करना है। मैं सोचता हूँ, एक मिनट खड़ा हो गया, मैंने सोचने लगा कौन होगा वो, कौन होगा ये पागल आदमी जो। अब मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ, तो तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। मैं अगर सोच सकता था तो सोचता ये। मैं बहुत बढ़िया बैठ चला गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और हो ही क्या सकता था ज़िंदगी में, और क्या चाहिए घंटा कुछ नहीं। तो आगे आते हैं, तो हाँ भाई लेजिट मेरी 1% भी फटी नहीं ये भी अजीब बात है, मेरी फटी नहीं। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं बॉटल निकाल रहा हूँ अपनी। इस पर भी हाईलाइट ये है, हाईलाइट की हाईलाइट ये है कि मैं अपनी बॉटल निकाल रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, बॉटल निकाल रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। वजह से वो अंकल आ रहे हैं भाई, वो वहाँ से चलते चलते भाई मार देना चाहिए मेरे को, इस बंदे को मर जाना चाहिए, ये बंदा मेरे हाथों से नहीं मरा तो मैं इसको मार दूंगा, नहीं मरा ये बंदा वो जर्डिंग कर रहा था दो दो बंदे आ गए, अब तो मरना। तो हाँ हम लोग वापस नए मैच के अंदर आ गए, मेरा थोड़ा गला बैठ गया था वापस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हाँ भाई मैं ऐसा पागल, तुम लोगों ने कहीं ऐसा गधा देखा नहीं होगा, बैठ के सामने बॉटल निकाल रहा है। लेकिन आराम से बॉटल निकालो स्टाइल से, मेरे को पहले मैं सोच रहा था वो बंदे को मैं इस बॉटल से मारूंगा, पता नहीं क्यों मैंने सोचा ऐसा, पर पता नहीं सोच लिया। सोचने में कुछ बुराई नहीं है, करने में बहुत बुराई है मैं जानता हूँ वो बंदा चाकू लेके आ रहा है, मैं बॉटल निकाल रहा हूँ, ले भाई पानी पी ले थोड़ा सा। वो अभी मीम चली ना, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये थोड़ा वो ये तो ये पुनीत सुपरस्टार वाली आवाज़ में हो गया, बट ठीक है मैं उसको पानी दे रहा हूँ। ये लो पानी पी लिया, चाकू लेके आ रहा है पागल, पानी निकाल रहा हूँ। वो अंकल भागते आ रहे हैं। और अब इसको भी हाईलाइट सुनो, हाईलाइट की हाईलाइट पे हाईलाइट सुनो। मैं एक तो हम लोग गली के एंड में खड़े थे, हमारी गली मोती कैसे, अगर तुमने कभी वो देखा हो, अगर तुम लोगों ने कभी ज्योमेट्री बनाई हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोग जानता हूँ यहाँ पर बनाई नहीं होगी, अगर तुम 45 डिग्री जानते हो तो 30 डिग्री अगर तुम जानते हो, 30 डिग्री 45, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पर हाँ 30 डिग्री तो थोड़ा सा कम हमारी गली ऐसे मोड़ती है। बहुत ज़्यादा ही मैथ, इंटरनल मैथ बता दी तुम लोगों को मैंने अपनी गली की, पता था तुम आके बॉम्ब गिरा दिया हमारे ऊपर कुछ क्या ही कर लो इतना इंटरनल बता दिया मैथ, अरे इसकी 60 डिग्री पे अगर कहते गली मुड़ती है तो हमें 35 डिग्री पे काटना है, तो 5 डिग्री कम करना है जैसे कि 30 डिग्री हो, फिर उसको 5 डिग्री काटना है और फिर वहाँ से कहते बॉम्ब गिराना है जैसे वो मर जाए। बहुत बहुत ज़्यादा मैथ है, तो एक्सेस मैथ हो गई, चलो कोई नहीं मैंने बंदा मारा छोड़ो। तो हाँ भाई मैं ऐसा पागल नहीं होगा। अब वहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो भाई गली के एंड से लोग भाग रहे हैं जोर जोर से, एकदम भाग रहे भाई ऐसे कि मैराथन हो रही है, मेरे को लगा शायद मैराथन ही हो रही हो हो सकता है, पर पता नहीं भाई मेरे को कभी भी लगता है ऐसे में अजीब अजीब ये क्या हुआ पता नहीं भाई, छोड़ो कुछ भी हो सकता है दुनिया क्या जाने। तो हाँ भाई लेजिट वहाँ से लोग भाग रहे हैं और मैं कभी भी वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। वो फिर उनका भागना स्टार्ट किया, पहले तो आराम से चल के चल के आ रहे थोड़ा थोड़ा, फिर उन्होंने भागना, मैंने उधर वो बंदा देखा भाई, वो बंदा लेजिट हाथ में कुछ ना कुछ लेके आ रहा था, मेरे को पक्का नहीं है चाकू है पर मेरे को लग रहा था बड़ा सा कोई हथियार लेके आ रहा पता नहीं। तो भाई मेरे को लेजिट समझ लिया, मैंने भागना कर दिया, मैंने जो भागा उस दिन तुम सोच नहीं सकते। अब मेरा सही में ऐसा हालत खराब हुई, मैंने भागना स्टार्ट किया भाई, वो अंकल भाग रहे मैं भाग रहा हूँ भाई, हम लोग ही फट गई सही में, वो बंदा आ रहा चाकू लेके मारूंगा सबको ऐसे, ये क्या हुआ ये क्लिच है वाह। तो हाँ यही कहानी थी, मतलब बड़ा अजीब भाई, और इस पर भी हाईलाइट सुनो क्या आती है, लेकिन उस पागल को भी हम लोग जानते थे, मतलब वो गली के आसपास ही घूमता रहता था पहले, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे पता नहीं चाकू लेके नहीं घूमता था, नॉर्मल घूमता था। इस पर भी हाईलाइट की हाईलाइट सुनो भाई, यही होते हैं ऐसे ही चीज़ों पर भाई, इसको जानते हम पागल हुआ। अब हम लोग को बंदे मारना स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ है बंदे, दिस इज नॉट योर किल दिस इज माय किल, मर जा भाई। भाई अगर इसने ले लिया किल चुरा लिया मैं मार डालूंगा, छोड़ तू इसको मार, मैं इसको मारता हूँ, मैं मर गया नहीं मर गया और मैंने किल मारा, बहुत बढ़िया ठीक है भाई ठीक है, हम मुझे इसको मारना चाहिए ज़रा अच्छा रहेगा।
नहीं 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 इतनी रीच कैसे हो सकती किसी बंदे की। और मैं मर गया ये। तो हाँ एक और कहानी मेरे पास तुम लोग के लिए। ये अभी लास्ट एग्जाम्स कल तो हुए थे मेरे, खत्म अभी जस्ट हो गए। पता नहीं मैं मरता ही क्यों रहता हूँ आधा टाइम। तो हाँ ये एक कहानी है हिस्ट्री एग्जाम की। अब देखो हम लोग हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन, हम लोग मतलब हमारा पूरा ग्रुप जो पढ़ने जाता है, ऐसा नहीं बोलना मेरे का जो ग्रुप में, मतलब हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ पढ़ते हैं, पर हाँ हम लोग हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन, मरते ही रहते हैं हमेशा। तारा रा 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 दीना दा 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 दीने का दा दीने दा दा दा। तो हाँ अब हम लोग को बोला गया था दो कल चैप्टर आ रहे थे। पहला था सिविक्स का एक चैप्टर था कल पार्लियामेंट का, जो मतलब तुम लोग जानते हो क्या होगा, मतलब राज्यसभा लोकसभा दुनिया खत्म, चलो यही है भाई, राज्यसभा लोकसभा दुनिया खत्म। स्पीकर वो पता नहीं आधा टाइम उसको बोलते नहीं कुछ भी, बस यही है लेजिट हिस्ट्री। 10th की हिस्ट्री यही है, अगर तुम लोग यूनियन पार्लियामेंट और ये करना है हिस्ट्री यही है। राज्यसभा लोकसभा हिस्ट्री का नाम, चलो अड़ाओ मतलब सिविक्स का नाम, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है। तो हिस्ट्री में राज करते लॉर्ड डलहौजी जी, 1857 की वॉर की बात कर रहा हूँ और किसी की जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये 9th और 10th वालों को समझ में आ रहा होगा, 11th वालों को भी, क्यों पढ़ा तो है ही ना तुम लोगों ने सालों, इतना तो कल दे, इतने तो कल दे दुनिया से अलग अटूट नहीं हो। वाह अच्छा ब्लॉक जंप करने के बाद कल हम लोग क्यों ऊपर नीचे करते बे, यार इथरनेट केबल लानी पड़ेगी कुछ भी हो जाए अब तो भाई, बिना इथरनेट केबल काम नहीं चलेगा भाई। मुझे एक एक सेकंड लेना पड़ रहा है कि मैं थोड़ा कर वो गले को स्ट्रेन ना दूँ ज़्यादा, नहीं तो भाई खांसना स्टार्ट हो जाता है बहुत गंदा शरीर पे। और हाँ अब आती हाईलाइट 1857 की वॉर में हर एक चीज़, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको मेरे को एक पूरी अच्छे से करते वो गले को सेट करने, क्योंकि अभी बहुत चिल्लाने वाला हूँ मैं, तनातन चिल्लाने वाला हूँ। हाँ बहुत गंदा साउंड करता ही मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं। लेजिट एक एक चीज़ जो जो हुई है, मतलब 1857 की वॉर में जितनी चीज़ें हुई सब लॉर्ड डलहौजी ने करा, सब लॉर्ड डलहौजी ने किया है दुनिया की। और मैंने मैंने खुद बैठ के उनके संग चांद बनाई है, ये चैनल भी उनने बनाया है, ये दुनिया भी उनने बनाई है, यूनिवर्स भी उनने बनाया है, बिग बैंग भी उनने किया, दुनिया की सारी चीज़ें लॉर्ड डलहौजी ने ही किया। और कुछ अगर तुम लोगों ने पढ़ा है वो सब झूठ है, बकवास है बस, और सब कुछ बकवास है, एकदम बकवास झूठ है दुनिया, सिर्फ लॉर्ड डलहौजी ने सब कुछ बनाया है। लेजिट एक बच्चा ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन आया था हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। अब इसके ऑप्शन सुनो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड वॉन हास्टिंग, बड़ा अजीब नाम है मैं नहीं जानता, ई सुनो लॉर्ड डलहौजी, एफ सुनो लॉर्ड डलहौजी, और बाकी सारे जितने ऑप्शन तुम लोग सोच सकते हो लॉर्ड डलहौजी। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, अपने कमेंट करके बताइए जवाब क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं सही आंसर बताऊं तो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी पूरे स्कूल ने, नहीं, एक सेकंड, ये पेपर गिर गया मेरा, रुक जाओ, पूरे स्कूल ने पूरा स्कूल है गधों से भरा, उनने लिखा है ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत बच्चे ऐसे, ये बहुत अच्छा क्लच होने वाला था, पता नहीं क्यों कर नहीं पाया मैं, ऑलमोस्ट मैं एक उनमें से अलग हूँ, मेरा गलत है आंसर पर मैं अलग हूँ, मुझको उनसे नोट ना करना, मैं जूता फेंक के मार दूंगा, हट जाओ बस। पूरा आधा आधा स्कूल लिखा है लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि बंदा एक ही चीज जानता है, अगर किसी ने कॉलेज से कुछ किया है तो वो लॉर्ड डलहौजी है, और यहाँ मेरा बेड चला गया है और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरा गला बैठ गया है भाई, स्कूल है पागलों से भरा, मैं जानता हूँ एकदम, मैं बहुत गंदी गाड़ी से बोल रहा हूँ, एक सेकंड जो मेरी गोली गलती दे रहा हूँ इसमें जीभ में। तो हाँ भाई मेरे को समझ नहीं आता, मैंने जो लिखा है वो है लॉर्ड कैनिंग, मैं गलत हूँ बेटा, कोई अगर किसी ने बोला कि गलती तूने भी लॉर्ड डलहौजी लिखा है, मैं सॉस वाला जूता उतार के मारूंगा, हाथ के अंदर मेरा जूता भी, एकदम मजाक भी नहीं कर रहा सही में, हाथ में मेरा जूता, कैमरा खोल के दिखा सकता, आवाज आई ना, हाँ बेटा हाथ में था मेरा भी जूता, जूता नहीं चप्पल जो भी है, तुम लोग हो गया है हट, पर्सनल हो रहे हैं तो अभी, मतलब ऐसे लोग भरे हुए हैं, मतलब स्कूल में सब लिख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जाओ वाड़ा में मुझे क्या है, मतलब ऐसे लोग, हमारा ये एक स्कूल है दुनिया, वाह पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार, शिफ्ट दबा के रखा गिर गया मैं आराम से, मतलब शिफ्ट दबा के रखा गिर गया मैं ऐसे ही,
आराम से क्या होता होता है भाई, आराम से गिर गया। हाँ बहुत मेहनत लगी थी ना भाई पहले तो गिरने में। अजीब पागल बना है यार एकदम। अगर मैं यहाँ छोड़ दो, आइडिया ही मेरे दिमाग से चला गया। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ वहाँ से जंप लगाऊंगा, घंटा मैं लगाने वाला हूँ तो भाई एकदम, मतलब सारा मोटिवेशन ही ऐसी की तैसी। ये और देखो ऊपर से और भगवान ही बोला नहीं तेरा मोटिवेशन छोड़ तेरे को, जितना डिमोटिवेशन दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ मैं, जा भाड़ में जो करना है तेरे को करना है भाई। ये गेम ऐसे ही जाएगा भाई, स्कूल वाले ऐसे ही रहते हैं, स्कूल वाले सारे कल से ऐसे ही लिख रहे हैं। और मैं वहाँ डिस्कस कर रहा हूँ भाई क्या होगा, लॉर्ड वेस्ली होगा या लॉर्ड कैनिंग होगा। वहाँ पे आधे लोग बोल रहे हैं भाई लॉर्ड डलाउजी होगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों, वो बोलते हैं भाई अरे उसने किया होगा। एक तो प्रॉब्लम क्या है, सब सही में उसी ने सब कुछ किया, आधे ज़्यादा काम भी उसने किया, आधे ज़्यादा कांड, काम नहीं कांड उसने किया आधे ज़्यादा भाई, कुछ भी उसने नहीं भाई लेजेंड। उसने इतनी अजीब अजीब चीज़ें की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैपे लपेज लेपस लपूज जो भी है वो मैं नहीं जानता भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं अभी वापस से पढ़ना हिस्ट्री में जानता हूँ, पता नहीं छोड़ो यार। पर यार पता नहीं अजीब ही है यार एकदम। पर हाँ यार मेरे को लग रहा था उस दिन की यार शायद ये बनाई हुई दुनिया है, मैं शायद मल्टीवर्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी में रह रहा हूँ, ये मैं और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता था इसको, गलती जो क्लच कर रहा हूँ मैं। पर नहीं, दुनिया में नौटंकी ही करनी है। मेघालय टावर पे आ गया, मेरे को उस तरफ जाना था मैं गलत टावर पे आ गया, मेरे को डर जाना था भाई। लेजिट ऐसे ऐसे लोग मैंने जिंदगी नहीं देखे होंगे, इतना अच्छा क्लच कर लेता हूँ, पर पिंग अच्छी होती तो और अच्छे क्लच कर लेता। और मैं आकर के मर गया, बहुत बढ़िया। नचो इस बंदे को मारो, इस बंदे को मारो, नचो 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 भाई आधी हेल्थ पे हूँ मैं भाई, मार देगा ये बंदा। अरे नहीं मैं मार दूंगा, लॉल लॉल आराम से मार दिया भाई, आराम से मार दिया एक बंदा। मारना भी इतना ईजी होता मेरे को पता नहीं था, मैं अभी भी हाफ हेल्थ पे हूँ, मारना थोड़ा मुश्किल होगा। बंदे आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, मेरे ब्लॉक खत्म हो रहे हैं, रहे हैं। तनथिन था तनिथिन था भाई, पीछे मेरे को लग रहा पीछे कूद जाता हूँ। नहीं 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 बेकार आइडिया छोड़ो। और मैं मर गया भाई, लेजिट मैं मर गया, 2 मिनट का साइलेंस मेरे लिए, मैं मर गया भाई, मर गया। क्या बंदा आ रहा है, दन 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 दन, ये एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को। और हमें जानता थोड़ा मैं जेट्रैक सर्वर पे खेल रहा हूँ, गलती में देखा नहीं आज। और हम लोग अरे बैठ गया भाई, अरे भाई बैठ गया, अरे बैठ गया भाई, बैठ गया मेरा, अरे मर गया मैं, बस मैं मर गया भाई। अरे तो गाइस यहीं पे वीडियो खत्म होती है, आखिरकार मैंने बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई ली, और लॉर्ड डलहौजी ने इस दुनिया को बनाया है, और मैं लेजेंड नहीं जानता हूँ, वो दुनिया कब खत्म हो गई, शायद वो कल दिन लॉर्ड डलहौजी ही थे जो चाकू लेके मेरा पीछा कर रहे थे। तो हाँ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और लाइक कर देना, और शेयर कर देना, और लॉर्ड डलहौजी को बोलना मेरे घर पे आकर चाय पी के जाए, टी बना सकता हूँ उनके लिए टी, हाँ एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बाय।